संविधान की मूल प्रति को पहले फलालेन के कपड़े में लपेट कर एक नेफ्थलीन बॉल्स में रखा गया था। साल 1994 में अमेरिका की तरह भारत ने भी संविधान की मूल प्रति को गैस चेंबर में रखने का फैसला किया। भारत की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और अमेरिका के गेटी इंस्टीट्यूट के बीच करार के बाद भारत में भी इसी तरह का एक गैस चेंबर बनाया गया। संसद भवन के पुस्तकालय में वैज्ञानिक विधि से तैयार गैस चेंबर में संविधान को सुरक्षित रखा गया है। भारतीय संविधान काली स्याही से लिखा गया है। स्याही आसानी से उड़ जाती है, यानी ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसे बचाने के लिए ह्यूमिडिटी 50 ग्राम प्रति घन मीटर के आसपास रखने की जरूरत थी, इसीलिए भारतीय संविधान के लिए एयर टाइट चेंबर बनाया गया। गैस चेंबर में ह्यूमिडिटी बनाए रखने के लिए मॉनिटर लगाए गए हैं। हर साल चेंबर की गैस खाली की जाती है, हर 2 महीने में चेकिंग की जाती है और CCTV इस पर लगातार निगरानी रखता है। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने देश के संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया था। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हाथ से लिखी गई है। इसमें किसी भी तरह की टाइपिंग या प्रिंट नहीं है। मेरठ कॉलेज की लाइब्रेरी में अंग्रेजी में लिखी गई मूल प्रति की फोटोकॉपी रखी गई है, जिसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। रायजादा ने पेन होल्डर निब से संविधान के हर पन्ने को बहुत ही खूबसूरत इटैलिक अक्षर में लिखा है। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, लेकिन उसे लिखने में 6 महीने लगे। संविधान लिखने के लिए रायजादा ने कोई पारिश्रमिक नहीं लिया था। हर पेज पर नाम लिखने की शर्त रखी थी। संविधान की हस्तलिखित मूल प्रति में कई दुर्लभ तस्वीरें हैं। फंडामेंटल राइट के तृतीय भाग में राम, सीता और लक्ष्मण की तस्वीर है। अर्जुन को उपदेश देते भगवान श्री कृष्ण की भी तस्वीर है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, टीपू सुल्तान, लक्ष्मीबाई की भी तस्वीर है। भारतीय संविधान की मूल प्रति में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।